इस्लामिक देश तुर्की इसराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू पर केस करने की तैयारी में है। तुर्की के राष्ट्रपति ने एक बार फिर हमास का पक्ष लिया है। इसराइल के प्रधानमंत्री को तुर्की के राष्ट्रपति ने वॉर क्रिमिनल बताया। एर्दोगान ने कहा कि जंग के बाद नेतन्याहू पर वॉर क्राइम्स का केस चलना चाहिए। इस दौरान तैयब एर्दोगान ने युगोस्लाविया के पूर्व राष्ट्रपति की मिसाल दी। एर्दोगान ने बताया मिलोसेविक वाला सलूक नेतन्याहू के साथ भी होना चाहिए। बता दें इस्तांबुल में एक मीटिंग के दौरान एर्दोगान ने ये बातें कही, जहां पर ओआईसी की मीटिंग चल रही थी। यहां पर एर्दोगान ने हमास का बचाव भी किया। साथ ही नेतन्याहू को एर्दोगान ने कसाई बताया और यूएन सिक्योरिटी काउंसिल पर भी एर्दोगान ने तंज कसा। बता दें तुर्की नाटो का अहम सदस्य है, इसलिए टिप्पणी अहम हो जाती है।